हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। खबरों का आगाज करते हैं, बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जो कि आज वाराणसी में होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 26 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी काशी में भव्य रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी में मोदी का रोड शो और नामांकन के मेगा इवेंट को बीजेपी साल 2014 के नामांकन और रोड शो से भी ज्यादा भुनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरे वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर वर्ग की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया है। साथ ही पूरे वाराणसी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, मनोज सिन्हा जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश चोपड़ा जी फोन लाइन पर है। हरीश जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हरीश चोपड़ा जी, आज एक भव्य रोड शो का आयोजन कुछ ही समय बाद होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, दुल्हन की तरह पूरे वाराणसी को सजाया गया है, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इस रोड शो के बाद? कितना ज्यादा जो समीकरण है वोटों का वो बनता बिगड़ता नजर आ सकता है? देखिए, वाराणसी सीट पर समीकरण बदलने या कुछ भी संभावनाएं, उन सब की संभावनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस का सस्पेंस खत्म हो चुका है। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस ने अजय राय को नरेंद्र मोदी के मुकाबले में भेजा है। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में भी लड़ा था, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है कि 81,000 के करीब वोट मिले थे, वो तीसरे नंबर पर थे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, वो बिना उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया था, लेकिन 2,09,000 वोट वो ले जाने में कामयाब हो गए थे और मोदी जी की भारी जीत हुई थी। अब क्योंकि इस समय शालिनी यादव जी हैं, जो महापौर का चुनाव नहीं जीत पाई थी, उसे सपा बसपा गठबंधन ने अपना बनाया है, और कांग्रेस के अजय राय भी मैदान में है। जहां तक ये आज के रोड शो का सवाल है, ये बहुत ही भव्य रोड शो होने वाला है। पूरा वाराणसी देख रहे हैं कि इस रोड शो के जरिए बीजेपी पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। तमाम दिग्गज नेता इसमें जुटने वाले हैं और कोशिश यही है कि इस रोड शो के जरिए दिखाया जाए बीजेपी की ताकत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन भरेंगे तो जो एनडीए के सहयोगी दलों के नेता है, जैसे प्रकाश सिंह बादल है, शिवसेना के नेता है, बिहार के नेता है, वो सभी उनके साथ होंगे। रामविलास पासवान जी भी साथ होंगे। ये एकजुटता प्रदर्शन करने वाली बात है। और वाराणसी में चाहे दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हूं, लेकिन अंकगणित के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा बिल्कुल साफ नजर आता है। और आज के रोड शो जिसे हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक तरह से कांग्रेस को यह दिखाने के लिए है कि 2014 की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा आज भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया हरीश चोपड़ा जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी बरकरार है और इस रोड शो के जरिए, या यूं कहें इस भव्य तैयारियों के बीच जो रोड शो गुजरने वाला है महज कुछ ही समय बाद, उससे साफ तौर पर बीजेपी की मंशा है कि अपना पूरा का पूरा जमावड़ा लेकर शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए। तो नामांकन से पहले पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो है। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का वो माल्यार्पण करेंगे। इस माल्यार्पण के बाद रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। करीब 7 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री का पूरा रोड शो रहने वाला है। बीएचयू से लेकर दशामेघ घाट तक रोड शो होगा, जिसमें 80 मोड़, मुमुक्षु भवन, आनंदमयी अस्पताल से रोड शो गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा। शिवाला, तिराहा, सोनारपुरा, जगमबाड़ी होते हुए गोदोलिया ये पहुंचेगा और काशी विश्वनाथ मंदिर का द्वार है रोड शो का आखिरी पड़ाव। बीजेपी के सभी बड़े चेहरे रोड शो में नजर आने वाले हैं। रोड शो के बाद गंगा आरती प्रधानमंत्री करेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन है और उससे पहले आज रोड शो। तो कुछ ही समय बाद वाराणसी में रोड शो होने वाला है, उससे पहले तैयारियां
पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद हर जगह नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में जनता जनार्दन उमड़ती हुई वहां नजर आ रही है। लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है, लोग काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और आज के इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। इसके बाद 26 अप्रैल यानी कि कल प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज वाराणसी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। इस रोड शो में आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह होंगे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल नजर आएंगे, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, मनोज सिन्हा जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो आज इस जो पूरा का पूरा रोड शो है उसमें नजर आने वाले हैं। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। संजय जी, ऐतिहासिक जगहों से आज काफिला गुजरने वाला है, कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री मोदी का शक्ति प्रदर्शन माना जाए इसको दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और आने वाले भी प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरह से देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने हर भारत को दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर लेकर के आए हैं, आज देश की जनता ये चाहती है कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। इसके लिए उनकी जो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनमें भी उत्साह है कि नरेंद्र मोदी आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने से एक दिन पहले जो रोड शो निकाल रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हों। इसलिए कोने कोने से बनारस की जो लोकसभा क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और मोदी जी का अभिनंदन करना चाह रहे हैं। इस रोड शो के जरिए डॉक्टर संजय शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको, जनता जनार्दन में जो मैजिक कायम करने की कोशिश है प्रधानमंत्री की, वो कायम रहने वाला है क्या? देखिए, उनका कोई मैजिक एक लोकसभा से दिखने वाला नहीं है, उनका मैजिक तो पूरे देश के अंदर बोल रहा है। जिस तरह से कोने कोने से देश के लोग आज फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो उनका अपना लोकसभा क्षेत्र है और एक कार्यक्रम है ये, एक कार्यक्रम से आप सारी बातें नहीं तय कर सकते, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहां पर आज आ रहे हैं इसलिए लोगों के मन में उनकी एक झलक पाना, उनको देखना और उनको कहना कि आप मोदी जी आप पूरे देश में घूमिए, यहाँ की चिंता मत करिए, यहाँ के लोग आपके साथ हैं। और जिस तरह से आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को घोषित किया, पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी, और खुद प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो उन्होंने कांग्रेस ने एक ऐसे कमजोर सा प्रत्याशी वहां से उतारा है, उससे साबित हो गया कि बाकी सब दल, चाहे कांग्रेस है, चाहे ठगबंधन है, या जिसको हम कहें महामिलावट का जो गठबंधन है, उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को जिनको उतारा है कोई भी उनके आगे टिकने वाला नहीं है। और मोदी जी एक बंपर बहुमत के द्वारा, एक बंपर मार्जिन के द्वारा ये चुनाव जीतने वाले हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बीजेपी के सभी बड़े चेहरे रोड शो में शिरकत करने वाले हैं, कुछ ही समय बाद रोड शो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको एक भव्य रोड शो नजर आने वाला है। रोड शो के बाद गंगा आरती भी होगी और कल 26 अप्रैल को नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।